हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है 25वां रमज़ान और सेरी करने के बाद मैं सो गई थी और उठी तो मैं थोड़ी लेट हो गई, तो उठते ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे को गांव जाना है, वहां पर कुछ काम है, तो फटाफट से लंच तैयार कर दो। तो बस उठते ही मुंह धोकर सबसे पहले किचन में आ गई, आटा मैंने लगा दिया। अब मैंने फ्रिज में तलाश की तो ये तोरई मिली थी मुझे। पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हो, लेकिन मैं तो इसे तोरई बोलती हूँ। तो ये तोरई मैंने लेकर और इसको साफ करके और छील लिया है, और मैं अब फटाफट बनने वाली रेसिपी दाल तोरई बनाऊंगी। वैसे तो मैं सूखी तोरई बनाती हूँ, जब अक्सर ये बोलते हैं कि मुझे पैक करके खाना ले जाना है, लेकिन आज वो प्याज में बनाने में थोड़ा वक्त लगता, तो मैंने दाल में बनाना ज़्यादा अच्छा समझा। मैंने कहा पैक कर देंगे कैसे भी, लेकिन जल्दी वाली चीज़ बना देती हूँ ताकि ये इनका काम ख़राब नहीं हो। और मैंने ये ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, एक प्रेशर कुकर में, और अब फटाफट मैं इसकी सब्ज़ी चढ़ाती हूँ दाल तोरई की, और आप देखना कितनी फटाफट बन जाती है ये। उठते ही मैं इसमें लग गई, तो मैं थोड़ी सुस्त हो रही थी, लेकिन 2 मिनट बाद ही मैंने थोड़ा अपने आप को जल्दी से फॉरवर्ड किया तो फटाफट काम हो गए। मैंने प्रेशर कुकर गर्म हुआ, इतनी देर में मैंने प्याज लहसुन वगैरह, हरी मिर्च वगैरह, टमाटर, इनको काट लिया साफ करके, और दाल मैंने वॉश करके थोड़ी गला दी। देखिए मैं कौन सी दाल डालती हूँ। अब मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ये ज़ीरा डालने के बाद, क्योंकि मसूर की दाल में ज़ीरा ज़्यादा ही डालती हूँ मैं थोड़ा, और फटाफट मैं इन दोनों का खाना बना दूंगी, क्योंकि आज बेटा भी जा रहा है। देखते हैं कि खाना पैक करके ले जाएंगे, यहीं खाएंगे। तो मैंने ये टमेटो और ग्रीन चिली रख ली है, बाकी मैंने इसमें ज़ीरे में एक छोटा सा प्याज और 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल दी, और अब मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है, और इस टमाटे को भी कट कर दूंगी मैं इसमें। मैं बहुत थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि ये अभी ख़त्म होने वाली है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो उस हिसाब से आप सामान इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और एक बार बनाइए ज़रूर। पता नहीं आप कैसे बनाती होंगी, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आप जैसी बनाती हैं और उसमें अगर वक्त लगता है, तो फिर आप कम वक्त में अगर आपको बनाना है तो आप ये वाली मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। इस जब मैं इन लहसुन को और प्याज को इस तरह से कट करके डालती हूँ, तो भूनने का भी कोई इशू नहीं होता कि इनकी रोई स्मेल निकालना है तो भूनना ज़्यादा पड़ता है। सिर्फ 2-3 मतलब 10 सेकंड उलट पुलट करके भी आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, तीनों ड्राई स्पाइसेस मिला दिए हैं, हसबे जायका, जो मुझे पसंद है, जैसा हम लोग खाते हैं उस हिसाब से। और अब मैं इसको दो मिनट भी नहीं, हाँ ये मानिए आपके 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड ही, इसको लट पलट करके अब इसमें तोरई काट के डाल दूंगी, क्योंकि इतना भूनने वाला इशू नहीं होता है इसको। अब मैं इस तोरई को गोल गोल काट लूँगी। ज़्यादातर टाइम में हम इसको लंबा भी काट लेते हैं, थोड़ा लंबी लंबी स्टाइल में बीच में से कट करके, लेकिन आज मुझे फटाफट जल्दी है और जल्दी में ये इस तरह से जल्दी गल जाएगी, तो मैं ये ऐसे बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं इसको बारीक काटती हूँ, लेकिन हमारे घर में मेरी मम्मी बनाती थी तो वो उसको लंबा काटती हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसी ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मसाले अच्छे से पहुँच जाते हैं। इसकी कटिंग अगर बारीक होती है सब्जियों की, तो वो मसाले वगैरह अच्छे से पहुँच जाते हैं उसके अंदर। अब मैंने इसमें फटाफट ये तोरई डाल दी, 3 तोरई थी, काट करके साफ करके और धुल के रख दिया था मैंने इसे। अब इसमें मैंने ये तोरई डाल के और मैं हाथ के हाथी इसमें ये मसूर दाल डाल दूंगी। मसूर दाल मैंने धुल कर रख दी थी, गला कर रख दी थी, सॉरी। अब मैं उसका पानी निथार के और इसमें डाल दूंगी। करीब 1 हैंडफुल है वो मेरे हैंड से, 1 मुट्ठी करीब दाल है वो, तो 3 तोरई के लिए सफिशेंट है वो। ये दाल को मैंने पानी इसका निथार के और मैं अब इसमें डाल दूंगी, और बस अब जो भी वक्त लगना है इसकी 3 विसिल में लगना है बस, बाकी जितना वक्त लगना था इस सब्ज़ी को लग चुका। अब बस 5 मिनट में ये सब्ज़ी तो रेडी हो जाएगी। देखिए आप कितनी जल्दी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है।
और मैंने आटा उठते ही सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया था, क्योंकि आटे में थोड़ा वक्त लगता है उसको सेट होने में। तो मैं जब भी मुझे जल्दी वाला काम होता है सबसे पहले मैं आटा बना लेती हूँ। और मैंने इसमें 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। तोरई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, अगर ज़्यादा तोरई हो तो फिर मैं पानी कम डालती हूँ, क्योंकि ये तोरई भी अपना पानी निकालती है, थोड़ा रिलीज़ करती है, लेकिन इतनी तो थी नहीं है। थोड़ा बहुत ही पानी निकलेगा तो उससे तो क्या दाल को बेनिफिट होगा, तो इसलिए मैंने 2 गिलास भर के दाल डाल दी। ये देखिए मैंने इसको ढक दिया। मैंने एक कम तोरई इसलिए मंगवाई थी कि मैं सांभर बनाना चाह रही थी, लेकिन सांभर में थोड़ा वक्त लगता, तो मैंने कहा चलो दाल तोरई ही बना लेते हैं आज, सांभर फिर कभी बना लेंगे। और मैंने ये आटे में से लोए बना लिए हैं, और मैं फटाफट फटाफट इन लोगों के लिए रोटियां बना दूंगी। अगर इनके दिल चाहेगा तो यहीं खाएंगे, वरना ये साथ भी ले जाएंगे। जाना तो नहीं चाह रहे थे ये, लेकिन फार्म पे थोड़ा काम चल रहा है, फार्म हाउस तैयार हो रहा है हमारा, तो वहाँ थोड़ा लेबर वगैरह को तो देखना है, उनको पेमेंट वगैरह करना है, वरना यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, बाहर निकलने पे सख्त पाबंदी है। लेकिन काम के सिलसिले में आप जा सकते हैं, ऐसे तफरी करने के लिए मना दिए, लेकिन फिर भी डर लगता है, सख्त पाबंदी है तो वो अपनी सेहत के लिए तो है ना। इनको भेजने में भी मुझे डर लगता है, लेकिन ज़रूरी काम था तो जाना पड़ा इन्हें। और बेटा भी जाने की ज़िद करने लगा, तो मैंने कहा चले जाएं, यहाँ से गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, वह गाड़ी में उतर जाएंगे, रास्ते में क्यों उतरना ही नहीं है, पानी खाना तब मैं यहाँ से साथ दे दूँगी इनको, और 4 या 5 घंटे रुकेंगे बच्चे और वापस आ जाएंगे। लेकिन पता नहीं हवा कैसी चल रही है, क्या है, पता नहीं कहाँ से इन्फेक्ट हो जाएं और क्या हो। ये रोज़े रखते भी नहीं है क्योंकि इनको हेल्थ इशू है, थोड़ा इनको बना है, डायबिटिक है ये, तो मैं इनको रोज़े रखने भी नहीं देती हूँ। लेकिन बेटे को आज मैंने रखने भी नहीं दिया, इंशाल्लाह कल रोज़ा रखेगा वो, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो बीच में स्किप कर दिए थे उसने कुछ रोज़े, और इंशाल्लाह कल शबे कद्र है तो कल का रोज़ा इंशाल्लाह रखेगा वो मेरे साथ। तो मेरी ये चपाती भी बन गई है सारी, और लास्ट की है ये, मैं इसको बनाते सेकते जाऊंगी और रोटियों में घी भी लगा दूंगी, क्योंकि पीछे से मुसलसल आवाज़ आ रही है कि जल्दी जल्दी जल्दी, तो मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, तो मैं फटाफट फटाफट इसमें घी लगा दूंगी। अब उनसे बोला है कि पैक कर दूं, तो बोलने लगे कि नहीं यहीं खा लेते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं इसमें घी लगा लूँगी। और बेटा कहने लगा कि मुझे तो खाना यहाँ नहीं खाना, अभी मुझे भूख नहीं है, तो आप मेरा खाना पैक कर दें, तो उसके लिए मैं पैक कर दूँगी और उनको मैं खाना यहीं दे दूँगी। ये लास्ट चपाती भी हो गई है, और मुझे घी लगा कर सिर्फ इसकी सर्विंग करनी है, और देखना है कि दाल का क्या हाल है, दाल बनी गल गई, दाल को भी थोड़ा धनिया वगैरह डाल के देखते हैं, रोटियां लगा लूँगा। ये देखिए छोटी बड़ी सब तरह की रोटी बनी है जल्दबाजी में। हाँ छोटी बड़ी इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन रोटियां नरम होना चाहिए और एक अच्छी सिकी भी होना चाहिए रोटियां, क्योंकि बाज़ औरतें भी जल्दबाजी में पीछे से कच्ची और तेज़ आंच में बनाती हैं, तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है ऊपर से, लेकिन मैं मुझे थोड़ा ऐसा ही है कि मेरे रोटियां अच्छे से सिकना चाहिए, बस इसकी साइज़ और शेप हमें इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन इसकी सिकाई अच्छे से होना चाहिए। अब ये देखिए दाल खोल के देखती हूँ मैं, 5 मिनट में जितनी देर में मैंने वो 7-8 रोटियाँ बनाई हैं, उतनी देर में मेरी दाल रेडी हो गई। अब देखिए मैं इसमें ये हरा धनिया डाल दूँगी, और मेरे हस्बैंड ने नींबू अवॉइड कर रहे हैं अभी वो खाना, थोड़ा उनको हाथ मतलब दर्द हो रहा था उनके हाथ हाथों में पैरों में, इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला है, वरना इस कंडीशन के बाद में हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। अगर खाना चाहेंगे तो मैं उनको हाथ से वहीं दे दूंगी, लेकिन इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं भी।
और देखिए ये मैंने खाना लगा दिया है। उनको देख के उनके बेटे का भी दिल चाह रहा है कि चलो मैं भी यहीं खा लेता हूँ, तो मैंने दोनों के लिए खाना लगा दिया। और ये देखिए मैं इनको सर्व कर रही हूँ खाना। अब उनको रवाना करने के बाद अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में, उनको रवाना करने के बाद में मैं आ गई अपने डेली रूटीन पर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा घर को क्लीन करके और थोड़ा सा मेरा आराम करूँगी। आज थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है, सेरी के बाद सोना गलत हो जाता है, सो गई तो थोड़े हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं। अब ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस हल्की सी सफाई करके और मेड आ जाएगी तो वो फ्लोर साफ कर देगी। अब आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए और मेरी बनाने की पसंद आती है आपको स्टाइल, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, इंजॉय।